सो हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की जो वीडियो है वो एक प्रायर वीडियो की सक्सेस को देखते हुए बनाई जा रही है। आपने जो मोस्ट व्यूड, मोस्ट लाइक, मोस्ट कमेंटेड, मोस्ट शेयर्ड वीडियो थी, जो कि अपनी वीडियो थी अलॉय व्हील्स और स्टील व्हील्स के बीच के डिफरेंस की, उस वाली वीडियो को इतना ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया, मतलब इतने ज़्यादा लाइक्स मैंने और इतने ज़्यादा व्यूज़ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे उस वीडियो में। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते थे उसी टॉपिक से रिलेटेड कि ये जो आज का टॉपिक है उसी रिलेटेड, कि आपके पास अगर पहले से ही अपने नॉर्मल वाले व्हील्स हैं जो कि स्टील व्हील्स हैं तो आप अपन उनको अपग्रेड कर सकते हैं यानी अलॉय व्हील्स में। तो आज की जो वीडियो है उसी बारे में अपन बात करेंगे। तो अब आप यहाँ पे आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है, वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर दीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो जो सिंपल बात करनी है अपने को वो ये है कि अपनी गाड़ी में अभी स्टील व्हील इंस्टॉल्ड है, ठीक है, अपने बेस वेरिएंट लिया या लोअर वेरिएंट लिया, स्टील व्हील पहले से आए हैं, स्टील व्हील होते हैं जो नॉर्मल वाले व्हील आते हैं जिनके ऊपर व्हील कैप लगी होती है, और अपने को टॉप मॉडल वाले लेने का अपना बजट नहीं था तो अपने को टॉप मॉडल जैसी गाड़ी बनानी है ऑब्वियसली, तो अपन उसमें अलॉय कैसे इंस्टॉल करें, कौन से करें, कैसे करें। तो बात यह है कि कंपनी सबसे पहले तो स्टील व्हील देती क्यों है हमें, कंपनी स्टील व्हील अपने को इसलिए दे रही है क्योंकि उसको कॉस्ट बचानी है अपने लोअर वेरिएंट्स के। अब हर कोई तो टॉप मॉडल ले नहीं सकता, टॉप मॉडल में तो अलॉय व्हील दिया हुआ है, पर अपने को कॉस्ट बचानी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉस्ट कम करनी है जिससे कि वो गाड़ी एक बड़े प्राइस ब्रैकेट में मिले। मतलब कोई गाड़ी 10 लाख की टॉप वेरिएंट है तो मतलब वो 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाए जिससे कि हर बंदा ले पाए उसको, तो ये उसका मेन रीज़न होता है। अब अलॉय व्हील्स हटा के स्टील व्हील देने में काफ़ी अच्छी कॉस्ट बच जाती है, लगभग 30-40 हज़ार रुपये पर गाड़ी तो आराम से बच ही जाता है एक अलॉय व्हील अगर आप नहीं दो एक गाड़ी के अंदर। अब बात की जाए अगर अपन को चेंज करने हैं, ठीक है, यही बात है जो अपन को करनी है इस वीडियो में, तो वो ये है कि अपने पास बेस वेरिएंट है या लोअर वेरिएंट है, स्टील व्हील अपने गाड़ी में पहले से आए हैं। अब अपने को देखना है कि अपना मॉडल कौन सा है गाड़ी का। अगर गाड़ी का आपका मॉडल पुराना है, मतलब आप ये मान लो कि 2012 या उसके आसपास का अगर आप, या उससे पहले की स्पेशली अगर गाड़ियां हैं, तो तब ये होता था कंपनी एक ही टायर साइज दिया करती थी, मतलब कि जैसे 14 इंच का व्हील है या 15 इंच का व्हील है फॉर एन एग्जाम्पल, तो 15 इंच का ही स्टील व्हील भी होगा या 15 इंच का ही आपका अलॉय व्हील भी होगा, टायर साइज भी दोनों में सेम होगा। तो आप आंख बंद करके आप सीधा अगर आपके गाड़ी में तब 14 इंच का आता था या 15 इंच का आता था, सीधा आप उसका 14 इंच या 15 इंच का अलॉय डला दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, टायर साइज वगैरह सब सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अब क्या कर दिया, कंपनीज और स्मार्ट हो गई हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं हुंडई i20 की, ठीक है, अब i20 जो अभी आ रही है 2020 में, उसमें देखा जाए तो 3 टायर साइज आ रहे हैं उसके वेरियंट्स के हिसाब से। अगर आप बेस वेरियंट ले रहे हो, जैसे अपन जो लोअर वेरियंट है एरा है शायद जो भी है, तो वो वेरियंट अगर आप उसका खरीद रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हैं, 14 इंच का आपको स्टील व्हील दे रहे हैं, ठीक है, उससे ऊपर मैग्ना वेरिएंट ले तो 15 इंच का अलॉय व्हील दे रहे हैं, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट ले तो 16 इंच का व्हील दे रहे हैं। अब जो बंदा एरा ले वो तो ये सोचेगा कि भाई मैं कौन से में अपग्रेड करूं, मैं टॉप मैं 15 में करूं या 16 में करूं। अब आपको समझाता हूं मैं, ये होता कैसा है, जैसे कि ये टायर की साइज है, ठीक है, अब इसमें एलॉय मान लो ये स्टील व्हील है और ये इसका टायर है, तो टोटल टायर की विथ विद एलॉय हवा हवा भर के ये है, तो 14 इंच में क्या कर रहे हैं, 14 इंच में ये छोटा है अपना रिम छोटा है, पर टायर का साइज जो है, टायर की साइड विड्थ होती है जो, जैसे 205/65 जो 65 है वो 65 ज़्यादा दे रखा है, मतलब विड्थ ज़्यादा दे रखी है। अब उसका ऊपर का वेरिएंट लो तो एलॉय को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, टायर को थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब 65 से उसको 55 कर देंगे या उसको 60 कर देंगे। अब टॉप एंड लोगे तो 16 इंच का दे देंगे और टायर की जो विड्थ है वो एकदम कम कर देंगे, 50 या 55 ही देंगे आपको सिर्फ। तो ये बेसिकली गेम है। पर ये है कि अगर आप सेम गाड़ी ले रहे हो, जैसे मैं i20 खरीद रहा हूँ आज, तो i20 प्री फिटेड आती है कि आप उसमें 16 इंच का जो उसका टॉप एंड वेरिएंट का जो एलॉय है आप वो उसमें इजीली फिट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखो टॉप एंड वेरिएंट में कौन सा आपको मिल रहा है, जैसे आपको मिल रहा है टॉप एंड वेरिएंट में 16 इंच का व्हील मिल रहा है, 195 आपका टायर की विड्थ है और 55 आपकी टायर की हाइट है, तो आप ये सीधा सीधा आप कोई भी डिज़ाइन का एलॉय अपने पसंद का चूज़ करके आप उसमें सीधा लगवा सकते हो। पर अगर आप उसमें चेंजेस करो कि भाई आपके मान लो कि 16 इंच का आता ही नहीं है, 15 इंच का मैक्सिमम आता है, फिर आप 16 करो तो आप टायर को अपसाइज कर रहे हो, बेसिकली आप एलॉय उसमें नहीं लगा रहे,
आप उसको अपसाइज ही कर रहे हो टायर को सीधा, तो उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं कि कितना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इसमें बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं, तो वो तो आप ना कीजिए। पर अगर आपकी बेस वेरिएंट गाड़ी है और टॉप एंड में एलॉय आता है, तो टॉप एंड वाला एलॉय का जो साइज़ है आप बेफिक्र होकर आप उसमें डलवा सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं आएगी। तो ये मेरे को काफ़ी कमेंट आए थे इस रिलेटेड कि करना चाहिए, एक स्कॉर्पियो से रिलेटेड पूछा मेरे से, i20 के रिलेटेड पूछा पुरानी वाली, मेरे से स्विफ्ट के लिए पूछा, कई सारी गाड़ियाँ जिनके लिए मेरे से पूछा गया कमेंट्स में। तो मैंने सोचा इस बारे में एक अच्छे से एक वीडियो ही बना देता हूँ, और मैंने पुरानी वाली वीडियो में भी बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, पर थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया, तो मैंने आज ही वीडियो बनाई थी। तो आशा करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो गए। एक बार फिर से पूरा सम अप कर देता हूँ। बेस वेरिएंट आपने लिया, बेस वेरिएंट का 14 इंच का व्हील था, टॉप एंड में देखो कौन सा व्हील है, कौन सा मतलब व्हील का मतलब है कि कौन सा साइज़ है टायर का, उसको लो सीधा उसमें लगा दो, वो वाला साइज़ का अपने पसंद का लो, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो क्लियर हो गया ये चीज़। तो आशा करता हूँ पसंद आया ये वीडियो आपको। अब से हिंदी में ही वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि बोला गया था कि यार हिंदी में ज़्यादा वीडियोस बनाओ, इंग्लिश में ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो हिंदी में बना देंगे। और अब मैंने फिर से बोला था, दोबारा बोलूँगा कि यार लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगता है कि अगर कम्युनिटी अपनी बढ़ रही है, एक वीडियो बनाने की इच्छा भी और बनती है कि लगता है कि यार लोग देख रहे हैं, तभी वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन भी बनती है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया आप लोगों को। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं आपसे मिलूँगा ऐसी ही एक और वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ।